आपने देख ही लिया वो भाई, दिन भर हम लोगों ने क्या किया। जी हाँ, दिन भर हम कार्यालय कार्यालय के चक्कर काटते रहे। कभी सिविल लाइन थे तो कभी इंडिया गेट के पास पहुंच गए, संसद भवन के पास। वहां पर भी भाई हम लेटर दे के आए हैं। तीनों लोग आज बारिश में भी खूब भीग गए थे और कब सूख गए ये भी नहीं पता चला, क्योंकि टेंशन भाई हमें आप लोगों की थी, इस रोजगार की थी। और इस टेंशन में ना तो भूख लगी और ना ही कुछ हुआ। बस भाई सब कुछ लेटर देने के बाद जब थोड़ी जान में जान आई कि शायद अब कहीं ना कहीं सुनाई जरूर होगी हम राइडर भाइयों की। खैर, हम आपको पूरी रिपोर्ट दे देते हैं कि हमने दिल्ली के सभी सांसद के पास लेटर पहुंचा दिए हैं, हमने एलजी साहब के पास लेटर पहुंचा दिया है, ट्रांसपोर्ट विभाग में लेटर पहुंचा दिया है। जहां जहां तक हम लेटर पहुंचा सकते थे, जहां जहां तक राइडर की आवाज पहुंचा सकते थे, वहां वहां तक हम तीनों भाइयों ने और हमारी और भी टीम है उन सब ने मिलकर काम किया है और वहां तक राइडर भाइयों की आवाज पहुंचाई है। लेकिन इसी आवाज पहुंचाने के दौरान जब हम लोग बारिश में एक जगह रुके थे तो एक राइडर भाई का कॉल आया था जो कि कोर्ट में चालान भुगतने के लिए गए थे। उनका चालान हुआ था उबर के अंदर। जी हाँ, एक आरटीओ वाले ही ऑफिसर ने एक बुकिंग डाल दी थी उनको और उनको अपने पास बुला लिया था। जब वो उनके पास गए तो उनका चालान काट दिया था। चालान की कॉपी आपको यहाँ साइड में दिख जाएगी। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उन्होंने सभी राइडर को अवेयर किया था कि भाई उबर पर भी चालान कट रहा है। पीछे की एक वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि अभी तक जो हमें चालान मिले हैं वो दिल्ली से बाहर की गाड़ियों के मिले हैं। लेकिन भाई अब हम अपनी इस बात को वापस ले रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई चाहे दिल्ली की गाड़ी हो या दिल्ली के बाहर की गाड़ी हो, अगर आप व्हाइट नंबर प्लेट पर काम कर रहे हैं तो कब आपका नंबर लग जाएगा, कब आपका चालान हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। सबसे बड़ी बात है कि राइडर एकजुट नहीं हो रहे हैं। जब तक राइडर एकजुट नहीं होंगे, जब तक राइडर अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक भाई कहीं पर भी आपकी आवाज नहीं जाएगी। आप लोग, मैं देख रहा हूं भाई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक एक घंटे के अंदर ही 200 300 400 मैसेज आ जाते हैं। आपस में सब लगे हुए हैं, सब लगे पड़े हैं। बहुत अच्छी बात है, आप जैसे ही तो बाकी यूट्यूबर भी लगे हुए हैं। हर कोई अपनी अपनी यूट्यूब की वीडियो के अंदर बता रहा है कि दिल्ली में चालान हो रहा है, दिल्ली में ऐसे चालान हो रहा है, दिल्ली में वैसे चालान हो रहा है। कोई कंपनियों से हाथ जोड़ रहा है, कोई सरकार से हाथ जोड़ रहा है, कोई ऑटो वालों को गलत बोल रहा है, तो कोई क्या क्या कर रहा है। भाई जिसको देखो व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब वीडियो में, हर कोई इसी मुद्दे के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन मेन मुद्दा कि भाई आप लोगों की आवाज कहां तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो असर करे। हाथ जोड़ने से काम नहीं होगा, आपको अपने लिए आवाज उठानी होगी और एकजुट होना होगा। अभी तक आप लोगों की अगर बात करें तो भाई आप लोग अभी तक एकजुट नहीं है। खैर देखिए, हम और हमारी टीम ऑलरेडी, हम लोग बाइक टैक्सी करते हैं आपकी तरह ही है, हम कोई अलग नहीं है भाई, कोई स्पेशल नहीं है, ऊपर वाले ने उतारा नहीं है या बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। सिंपल सी बात है, जैसा आप रोज काम करते हैं वैसा हम भी रोज काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी ये पता है कि अगर हम लोग घर में बैठ जाएंगे तो भाई किराया कहाँ से देंगे, बच्चों की फीस कहाँ से देंगे। एक दो दिन, चार पांच दिन बैठ जाएंगे ना तो टेंशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही चालान कटते रहे तो बहुत लंबा बैठना पड़ जाएगा। बाइक की किस्त आ जाएगी, बच्चों की स्कूल की फीस आ जाएगी, किराया आ जाएगा, कहीं से लोन लाल ले रखा होगा तो उसकी किस्त आ जाएगी, तो वो सब कहाँ से भरोगे भाई। इसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। अब ये मत बोल देना कि मिश्रा जी आप बताओ किस कंपनी में हड़ताल करनी है। ना भाई, कुछ यूट्यूबर ये भी बोल रहे हैं कि भाई हड़ताल कर दो, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑटो वालों से कि भाई इन ऐप को, ओला उबर रैपिडो पोर्टर बोर्जो अंकल डिलीवरी जितने भी ऐप हैं, स्विगी जोमेटो, क्योंकि सबके चालान कट रहे हैं। तो कुछ यूट्यूबर का या कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भाई इन ऐप को ही बंद कर दो ना, ये ऑटो वाले इन ऐप को ही बोले कि ये ऐप बंद हो। भाई इससे सोल्यूशन नहीं निकलता है। देखिए, पीछे जो हुआ उससे सबक लेना चाहिए। हमें ये पता है, आप लोग तो हमें सिर्फ दिल्ली में जानते हैं भाई, हमारा ऑलरेडी बॉम्बे के अंदर
एक ग्रुप चल रहा है, उसके अंदर बहुत से राइडर हैं जो अपनी समस्या हमें बॉम्बे से बताते हैं उस ग्रुप के अंदर, और हम भाई उन्हें बॉम्बे की प्रॉब्लम जो है यहाँ बैठे बैठे बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। उन लोगों पर क्या बीती थी जब वहां पर ऐप बंद हो गए। ऐप बंद हो गए मतलब कस्टमर के ऐप से बाइक की बुकिंग की सुविधा ही हटा दी गई। आज उनकी क्या हालत है ये जरा बॉम्बे के ग्रुप में घुसो, उसके बाद पूछो, पता चल जाएगा कि ऐप बंद होने से क्या होता है। आपके पास कमर्शियल प्लेट की बाइक नहीं है कि आप मेट्रो स्टेशन पर खड़े हो जाओ, आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाओ, आप बस स्टॉप पे खड़े हो जाओ और किसी कस्टमर से ये पूछो जी कहाँ जाना है, चलो मैं छोड़ देता हूँ, इतने रुपए दे देना। ना, आप ये काम नहीं कर सकते हो भाई, आप सिर्फ ऐप के द्वारा ही काम कर सकते हो। इसलिए ये भूल तो बिल्कुल भी मत करो कि इन कंपनियों को बंद करवा दो। वो टाइम गया भाई, वो टाइम गया, बहुत लेट हो चुके हो आप लोग। अब इन कंपनियों को अगर बंद करवा दोगे ना तो आपकी जिंदगी बंद हो जाएगी, ये ध्यान रखना। इसलिए ये गलती बिल्कुल भी मत करो कि हड़ताल करेंगे, इन कंपनियों को ऐप बंद करवाएंगे, ये फालतू की चीज है भाई। सिंपल अगर कानून के हिसाब से बात करें तो भाई देखो, ऑटो वाले अपने व्यवसाय के लिए आवाज उठा रहे हैं, और एक बार नहीं उठा रहे भाई, लगातार उठा रहे हैं, और एक यूनियन नहीं उठा रही है, दिल्ली के अंदर कम से कम 15 यूनियन हैं, और सभी की सभी यूनियन इसके ऊपर आवाज उठा रही हैं। और बाइक टैक्सी की कितनी यूनियन है या रजिस्टर्ड कितनी यूनियन है बाइक टैक्सी की? तो सिर्फ एक, अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन। उसके अलावा जो अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन से भी भाई इस लाइन के अंदर लोग बाग चिढ़ने लगे हैं। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं, ऐसे ही किसी ने दिल्ली बाइक टैक्सी एसोसिएशन, किसी ने फलाना एसोसिएशन, किसी ने डिक्स, भाई ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं। पहले जाओ गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराओ अपना, उसके बाद ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। हमें तो खुशी होगी भाई कि बाइक टैक्सी के अंदर भी 10-12 यूनियन हो जाए। तो जब 10-12 यूनियन हो जाएंगे और 10-12 यूनियन ऐसे ही जैसे आज हम लोग जाकर इन जगहों पर लेटर दे के आए हैं, ऐसे ही अगर ये 10-12 यूनियन भी ये भी जाएंगी तो भाई वहां पर लेटर का अंबार लगना चालू हो जाएगा बाइक टैक्सी के लिए भी। तो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ज्ञान बांटना, हड़ताल करवाना, कंपनियों को गलत बोलना, इससे अच्छा भाई रजिस्ट्रेशन कराओ अपना अपना भी, अपनी अपनी बाइक टैक्सी यूनियन का भी। व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ नहीं होने वाला है, और जाओ जहां हम भाग रहे हैं आप भी वहीं भागो, तभी दबाव पड़ेगा। जैसे ये ऑटो वालों ने दबाव बना दिया, देखो नियम लागू था, नियम पहले से ही लागू था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही बैन कर रखा था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब जब ये सारी यूनियनें, ऑटो की यूनियनें वहां पर पहुंची और इन्होंने दबाव बनाया, तो गवर्नमेंट ने भाई कार्रवाई करनी चालू कर दी। गवर्नमेंट गलत नहीं है, कुछ लोग 5 नंबर वाले यानी कि दिल्ली के आरटीओ को गलत बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं भाई। वो भी नहीं चाहेंगे कि आपके पेट पर लात पड़े, उनका काम है, वो उनकी ड्यूटी है, इसी चीज की वो तनख्वाह लेते हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं। अब आपको अपना काम करना है तो आप लोग भी एकजुट हो जाओ, यूनियन का साथ दो, आवाज उठाओ, यूनियन जब बोले वहां पर इकट्ठा हो, ये अगर कर सकोगे तो शायद कुछ होगा, 4-5 और यूनियन बना लो। हम मना नहीं कर रहे भाई, अच्छी बात है, जितनी ज्यादा यूनियन होगी उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट कुछ आपके बारे में सोचेगी। चलो अब मेन मुद्दे की बात करते हैं भाई, चालान कटेंगे या नहीं कटेंगे, चालान रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। तो स्पष्ट कह दे रहा हूं, अभी भूल जाओ कि चालान रुक जाएंगे, अभी कुछ टाइम तक तो आपके चालान होंगे ही होंगे, ये 100% बात। अब एक भाई ने पूछा था चालान दिल्ली में कहां कहां हो रहे हैं, तो भाई दिल्ली का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां चालान नहीं हो रहे हैं, हम लोगों को नहीं पता चल रहे हैं, क्योंकि भाई आप जानते हो राइडर हेल्प इंडिया या अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन या दिल्ली के ये बाकी के छोटे मोटे व्हाट्सएप ग्रुप, कितने राइडर हैं, वही राइडर हैं सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, वही घूम फिर के वही राइडर हैं। टोटल अगर बोले तो 1500 के आसपास, 2000 के आसपास राइडर होंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े हैं, नहीं तो बाकी सब ऐसे ही काम कर रहे हैं। उनका कब किसका चालान कहां पर कट रहा है कुछ नहीं पता। आपको ज्यादा पता करना है तो एक काम करो, 3-4 बजे के करीब सराय काले खां अथॉरिटी पे चले जाओ, जहां पर बाइकें सीज होती हैं। बहुत से राइडर आपको मिल जाएंगे वहां, जोमैटो को भी मिल जाएंगे, स्विगी के भी मिल जाएंगे, ओला के भी मिल जाएंगे, उबर के भी मिल जाएंगे, रैपिडो के भी मिल जाएंगे, पोर्टर के भी मिल जाएंगे, इन सब की बाइकें वहां पर सीज हो रखी हैं चलान की वजह से, पता चल जाएगा आपको एक दिन में। थोड़ी मेहनत करो आप भी जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता है
हमें तो पता ही कड़कड़डूमा में कितने राइडर पहुंचे थे आज कोर्ट में अपनी अपनी गाड़ियां छुड़ाने के लिए। हमें तो पता है कि 30,000 में कैसे भीड़ लगी हुई है इस वक्त चालान भुगतने के लिए। हाँ, चालान भुगतने में अमाउंट की बात करें तो देखो, कानून के हिसाब से आपका प्राइवेट व्हीकल को कमर्शियल इस्तेमाल करने में जो चालान की अमाउंट है वो आ रही है 5,000। अगर कोई पेपर कम है उनकी अमाउंट और बढ़ जाएगी। अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि इस 5,000 को 5,000 ही रहने दें या 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 में आपको छोड़ दें। उसके बाद भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं, जैसे बुराड़ी की अथॉरिटी हो गई, अगर वहां पर आपकी बाइक सीज होती है तो आपको एक अलग से, कुछ नया ही आया है ये सिस्टम, इसके बारे में हम पता करेंगे और आपको बताएंगे जरूर, लेकिन अभी जो जहां तक हमें पता है वो हम आपको बता रहे हैं कि एक अलग से टैक्स भी काटा जा रहा है। जिसकी बाइक बंद हो जा रही है वहां पर बुराड़ी अथॉरिटी के अंदर बंद है, वो जब कोर्ट से चालान भुगतने के बाद वहां पर पहुंच रहा है, एग्जाम्पल देके समझाएं। मान लो कोर्ट के अंदर आपका 5,000 रुपए का चालान 3,000 में भुगत गया, जज साहब ने 3,000 में आपको छोड़ दिया, आपने वो 3,000 वहां जमा कर दिए। अब आप बुराड़ी अथॉरिटी गए, अगर आपका डीएल नंबर की बाइक है तो आपका 1150 समथिंग ऐसा ही कुछ है, इतने की एक अलग से पर्ची कटेगी, वो भी आपको देनी पड़ेगी। और अगर आपकी बाहर की गाड़ी है, बाहर की बाइक है, तो भाई 3150, देखिए कंफर्म एकदम नहीं बता रहे, हाँ इसी के आसपास का है, 3150 की एक पर्ची आपको वहां अलग से कटवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी बाइक छूटेगी। तो ये जुर्माने बहुत भारी हैं, आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें इतनी कमाई नहीं होती है। कमाई अगर आप दिन रात एक कर दो, यानी कि 12-12 घंटे भी काम कर लो, तो हमने भी भाई 12-12 घंटे काम करके देखा है, 100 रुपया घंटे के हिसाब से एवरेज आती है, तो 12 घंटे में 1200 रुपए, 1200 रुपए कमाने के लिए 300 रुपए का पेट्रोल, तो बचे आपके 900 रुपए, 900 रुपए के अंदर 3,000 रुपए की आपकी बाइक की किस्त, तो बचे 800 रुपए, 800 रुपए के अंदर 100 रुपए का रोज का खर्चा, तो बचे 700 रुपए, 700 रुपए के अंदर आप अपने घर का किराया घटा दो, आपके बच्चों की फीस घटा दो, दवाई का खर्चा घटा दो, बिजली का बिल घटा दो। तो ये सब घटाने के बाद मुझे तो पूरी पूरी उम्मीद है कि भाई आप जो है महीने के 7 से 8 हजार बहुत हद मेहनत करोगे तो 10,000 बचा पाओगे। इसीलिए पिछली वीडियो को एंड करते हुए हमने पूछा था आपसे कि क्या आप चाहते हो कि आपका लड़का भी बड़ा होके बाइक टैक्सी चलाए। किसी ने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों के पास उसका जवाब है ही नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो इस लाइन के अंदर कोई लाइफ नहीं है। अगर लाइफ है तो भाई कुछ टाइम की है, इसलिए कुछ टाइम के लिए बहुत से लोग इस लाइन के अंदर आ गए, बहुत से पार्ट टाइमर भी आ गए, फुल टाइमर भी आ गए, जिसकी जॉब छूट गई वो भी आ गए। अब भाई एक बात बताओ, जब ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो हारे का सहारा वाली लाइन हो गई है, कि जिसके ऊपर विपदा आए वो इस लाइन के अंदर आ जाए और कुछ टाइम बिताए और फिर अपनी लाइन में वापस चला जाए, तो ऐसी लाइन को गवर्नमेंट परमानेंट कर रही है कि नहीं भाई, जो बाइक टैक्सी चलाएगा वो जीवन भर बाइक टैक्सी ही चलाएगा, कमर्शियल नंबर प्लेट दिल्ली के अंदर होते नहीं है। एग्जाम्पल अगर होने भी लगे, हम आपको एक चीज और क्लियर कर दें कि एग्जाम्पल अगर होने भी लगे दिल्ली के अंदर कमर्शियल नंबर प्लेट चालू हो जाए, तो भाई किसी भी पुरानी गाड़ी पे नंबर प्लेट कमर्शियल नहीं लगेगी, आपको नई बाइक लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहला घाटा तो ये देख लो कि आपकी पुरानी बाइक गई, अच्छे रेट नहीं मिल रहे उसके, ठीक है। अगर आपने नई बाइक ले ली और कमर्शियल नंबर प्लेट के साथ ले ली, तो जो परमिट मिलता है ना शुरू में कमर्शियल नंबर प्लेट पे, वो 5 साल के लिए मिलता है। अब मान लो आपका एक आध महीने बाद, एक आध साल के बाद कोई अच्छा रोजगार आपका चालू हो गया और आप इस लाइन को छोड़ना चाहते हैं, तो भाई आने वाले जो बाकी का टाइम है ना 5 साल तक में, आपको हर साल जो है डबल इंश्योरेंस, क्योंकि कमर्शियल के अंदर अमाउंट डबल हो जाती है इंश्योरेंस की, वो 5 साल तक रेगुलर भरनी ही पड़ेगी, चाहे आप बाइक टैक्सी चला रहे हो या नहीं चला रहे हो। साथ में फिटनेस भी आपको हर साल करानी पड़ेगी और अदर खर्चे हैं वो भी आपको हर साल झेलने पड़ेंगे। तो कुल मिला के गवर्नमेंट ये चाह रही है कि बाइक टैक्सी के अंदर जो काम कर रहा है भाई, वो परमानेंट काम करने वाले बंदे ही बाइक टैक्सी में आए, अपना सत्यापन करवाएं। दिल्ली गवर्नमेंट के पास आपका रिकॉर्ड रहेगा कि आप बाइक टैक्सी कर रहे हैं या पार्सल कर रहे हैं, देखा ही होगा आपने, पोर्टर अपने सभी राइडर को बता रहा है अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखो। और जोमेटो का एक नोटिस भी आया था कि भाई अपनी आरसी और डीएल ये फटाफट कंपनी में अपडेट करवाओ,
क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के पास जाएंगे, गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड होगा कि जोमेटो में कितने बंदे काम कर रहे हैं परमानेंट, ध्यान रखना परमानेंट, स्विगी में कितने काम कर रहे हैं, पोर्टर में कितने काम कर रहे हैं, ओला उबर रैपिडो इनड्राइव में कितने काम कर रहे हैं, उसके बाद आप बन जाओगे भाई दिल्ली के परमानेंट राइडर, ठीक है, उसके बाद ही आप काम कर पाओगे। तो समस्याएं अभी खत्म नहीं हो रही है, ये मत सोचो कि सिर्फ चालान तक ही ये सीमित रहेगा, बहुत ज्यादा बड़ी समस्याएं तो अभी आने वाली हैं। अब इतनी सारी समस्याएं आने वाली हैं तो भाई इन समस्याओं पर डिस्कस कौन करेगा गवर्नमेंट के साथ। देखो बदलाव हर जगह संभव है, कानून में बदलाव की उम्मीद पूरी पूरी होती है और कानून बदलते भी हैं, बस बदलवाने वाला चाहिए, यानी कोई ना कोई तो हो जो गवर्नमेंट को बताए। भाई गवर्नमेंट के अधिकारी तो बाइक टैक्सी चला नहीं रहे, सिंपल सी बात है ना, वो तो अपने कार में बैठ के जाते हैं, एसी रूम में बैठते हैं, उन्हें क्या पता कि राइडर को कितनी दिक्कत आ रही है रोड के ऊपर, और उसको क्योंकि राइडर को काम करना है तो भाई राइडर के अनुसार ही तो कानून बनना चाहिए ना। कंपनियों को भी काम नहीं करना, कंपनियां सिर्फ आपको ऑर्डर देंगी, अपना 20% कमीशन लेंगी, राम राम जी, काम आपको करना है। तो भैया दिक्कतें जो आप झेल रहे हो वो आप ही तो बताओगे। तो भैया इसलिए बोल रहा हूं कि अपनी आवाज उठाओ, ये फालतू के अभी चलान के लफड़े में मत पड़ो, चलान तो कटेगा ही कटेगा, इसके बाद गवर्नमेंट इसे एक नंबर के अंदर लेके आ जाएगी, आपको कमर्शियल में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्रीन नंबर प्लेट यानी ईवी चला सकते हैं, तो अभी गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो गवर्नमेंट ने कहा था उसमें आप ईवी चला सकते हो, लेकिन जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के पास पहुंचेंगे तो एक उम्मीद है, अभी कंफर्म नहीं है, एक उम्मीद है कि आपको एक टेम्परेरी परमिट यानी कंपनियों को दे दिया जाएगा और कंपनी आपके अकाउंट पे वो चढ़ा देगी, तब आप परमानेंट हो जाओगे उसके अंदर, तो भाई तब भी आप ऐसे ही काम कर रहे होंगे, लेकिन आपको जो समस्याएं हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगी। किराया आप जानते ही हो, किराया क्या चल रहा है, 6.5 रुपए, 6 रुपए किलोमीटर, 6 रुपए किलोमीटर के अंदर 2 रुपए का पेट्रोल लगता है, और अदर खर्चे सब कुछ मिला मुलू लेना, अगर आपकी किस्त मिला दें और मेंटेनेंस मिला दें तो 1 रुपया और घटा लो पर किलोमीटर के ऊपर, तो 3 रुपए किलोमीटर आप चलाते हो, क्या बचा रहे हो, 100 किलोमीटर पे 300 रुपए एक्चुअल, अभी आपका पेट का हिसाब नहीं जोड़ा है, जो आप खाओगे वो छोड़ दो, तो 100 किलोमीटर पे 300 बचा रहे हो, 200 किलोमीटर पे जाके कहीं 600 बचाते हो, यानी कि रोज दिल्ली से हरिद्वार पहुंच जाओगे और कितना बचाओगे, 600 रुपए। सोचो कि इस धंधे में आपको रहना है या नहीं रहना है, रहोगे तो परमानेंट रहना पड़ेगा, ये भी ध्यान रख लेना, रहोगे तो आपको कमर्शियल बाइक लेनी पड़ेगी, ये भी ध्यान रख लेना, कमर्शियल बाइक ले लोगे तो 5 साल तक कम से कम झेलना पड़ेगा, ये भी ध्यान रख लेना, चुपचाप ये सब चीजें झेल लोगे तो उसके बाद भी कंपनियों की मनमानी वो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपकी आगे बताने वाला भी कोई नहीं है। हम लोगों ने साथ मांगा था, हमारी टीम ने आप लोगों से साथ मांगा, तो हम देख रहे हैं अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर हमारे ही पीछे पड़ गए, भाई हमारे पीछे मत पड़ो, भाई अगर पढ़ना है तो गवर्नमेंट के पीछे पड़ो, जैसा प्रयास हम कर रहे हैं मैं चाहता हूं वैसा ही प्रयास आप लोग भी करो, आप भी लेटर लेके जाओ सांसदों के पास, आप भी लेटर लेके जाओ इन सब ऑफिसों में, तो भाई लेटरों की संख्या बढ़ाओ, तभी शायद आप लोगों की बात सुनी जाएगी, तभी शायद हमारी भी बात सुनी जाएगी। चलिए उम्मीद है इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि अभी तक इस समय तक आपका भाई बाइक टैक्सी का जीवन अंधकार में है, चलान कट रहे हैं, चलान कटते रहेंगे, और जब इन चलानों पर थोड़ी ढील होगी तो उसकी अपडेट भाई हम आपको दे देंगे, अपडेट चाहिए ढंग की अपडेट चाहिए, ना इधर की ना उधर की बेफालतू की बात नहीं चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको अपडेट मिल जाए। आने वाले कुछ टाइम में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पहले तो हम शुरुआत में कैलाश गहलोत जी से एक बार मिलके आ चुके हैं, अब दोबारा से एक बार कैलाश गहलोत जी से हमारी मिलने की पूरी पूरी उम्मीद बन रही है, वहां पर भी समय लेकर हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की समस्याएं सीधा भाई परिवहन मंत्री के पास भी रखें, आप लोग अगर साथ देंगे तो शायद ये भी संभव हो पाएगा। चलिए इस वीडियो को करते हैं खत्म, उम्मीद है आप हमारा या फिर बाकी यूनियन का साथ दें, और साथ देके हमारी या बाकी यूनियन को मजबूत बनाएं ताकि वो आप लोगों की आवाज को मजबूती से उठा सके और आपके भविष्य के बारे में कुछ आगे सरकार तक पहुंचा सके। करते हैं इस वीडियो को खत्म और जाते जाते आपको कहते हैं जय हिंद जय भारत।